हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज के लेसन में हम बहुत इम्पोर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं। इस लेसन में मैंने तीन चीजों पर, तीन टॉपिक्स पर फोकस किया है। वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं? सीसीटीएनएस और एफसीटीसी और एलआईबीओआर। तो ये क्या क्या होते हैं, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है किसी भी टॉपिक के बारे में हमें जानना, और कहीं से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसलिए अब मैंने ये अलग से कोर्स स्टार्ट किया है कि भाई जो वेरियस टॉपिक्स हैं जिनके बारे में जानना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सीसीटीएनएस के बारे में जानेंगे, एफसीटीसी के बारे में जानेंगे और एलआईबीओआर के बारे में जानेंगे। और ये लेसन एक्सप्लेन किया गया है मेरे द्वारा। मेरा नाम है कुमार जतिन। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो करंट टॉपिक्स हैं, यूपीएससी, सीएससी, एसएससी, बैंक, इन सब गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, वो इस लेसन में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम मूव ऑन करते हैं। पहली चीज, सीसीटीएनएस क्या है? सीसीटीएनएस का फुल फॉर्म जो है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। आप इसके नाम से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्राइम और क्रिमिनल इन दोनों को ट्रैक करने के लिए एक नेटवर्क सिस्टम बनाया गया है, जिसको सीसीटीएनएस नाम दिया गया है, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। ओके, तो सीसीटीएनएस एक प्रोजेक्ट है भारत सरकार का फॉर क्रिएटिंग ए कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉर इफेक्टिव पॉलिसिंग थ्रू ई गवर्नेंस। तो सीसीटीएनएस भारत सरकार का एक प्रोजेक्ट है जिसमें पुलिसिंग की, मतलब जो हमारी पुलिस है उसको इफेक्टिव तरीके से रखने के लिए, इफेक्टिव तरीके से काम कराने के लिए ई गवर्नेंस के तहत ये प्रोग्राम प्रोजेक्ट चलाया गया है, सीसीटीएनएस, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। अंडरस्टूड। दूसरी बात, द सिस्टम इंक्लूड नेशन वाइड ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम बाय इंटीग्रेटिंग मोर देन 14,000 पुलिस स्टेशन अक्रॉस द कंट्री। तो इसमें क्या है कि भाई देश में लगभग जो 14,000 पुलिस स्टेशन्स हैं उनको एक जगह लाया गया है और उनका ऑनलाइन ट्रैक रिकॉर्ड बनाया गया है कि भाई 14,000 जो पुलिस स्टेशन्स हैं उनमें क्राइम कौन कौन सा हुआ है और क्रिमिनल कौन कौन सा है। तो सिंपल बात है, अगर आप किसी भी उस ऑनलाइन साइट पर जाएंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि भाई फला व्यक्ति इस पुलिस स्टेशन में की दायरे में इसने ये गलत काम किया है, तो आपको मालूम लग जाएगा। अंडरस्टूड। दिस प्रोजेक्ट इज इम्प्लीमेंटेड बाय नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो क्या काम करता है? जो क्राइम होते हैं दुनिया देश में उनका सबका रिकॉर्ड रखता है, एनसीआरबी। अंडरस्टूड। सीसीटीएनएस जो है एम्स टू इंटीग्रेट ऑल द डाटा रिकॉर्ड ऑफ क्राइम इनटू ए कोर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसमें मैंने आपको बताया जैसे कि कोर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें जो क्राइम है, जो क्रिमिनल है, उन सब का डाटा स्टोर किया जाता है सीसीटीएनएस के अंतर्गत, विच इज प्रेजेंटली स्प्रेडिंग अक्रॉस 29 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरीज में ये काम कर रहा है। इतने ही है इंडिया में, 29 स्टेट है हमारे यहाँ और 7 यूनियन टेरिटरीज है, उन सब में ये काम कर रहा है। द प्रोजेक्ट ऑल्सो इन्वॉल्व्स ट्रेनिंग ऑफ पब्लिक पर्सनल एंड सेटिंग अप ऑफ सिटीजन पोर्टल टू प्रोवाइड सर्विसेज टू सिटीजंस। इसमें एक चीज और होती है, वो क्या होती है कि भाई जो पुलिस पर्सनल होते हैं उनकी ट्रेनिंग भी ये इन्वॉल्व करता है अपने अंदर, और सेटिंग अप ऑफ सिटीजन पोर्टल टू प्रोवाइड सर्विसेज टू सिटीजंस। दूसरी चीज ये क्या करता है, जो सिटीजन होते हैं, जो नागरिक होते हैं, उनको किस प्रकार से सर्विस प्रोवाइड की जाए उसके लिए एक सिटीजन पोर्टल बनाया हुआ है, सेटिंग अप ऑफ सिटीजन पोर्टल टू प्रोवाइड सर्विसेज टू सिटीजंस। भाई पुलिस का एट लास्ट काम क्या है? जो सिटीजंस हैं उनको सर्विस प्रोवाइड करना, तो इसके लिए भी ये काम करता है। सिंपली मैं आपको बताऊं कि ये सीसीटीएनएस क्राइम और क्रिमिनल जो होते हैं, क्राइम एंड क्रिमिनल, उनको ट्रैक करने के लिए एक नेटवर्क सिस्टम है। अंडरस्टूड। अच्छा, अब दूसरी चीज पर चलते हैं, वो है WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल, WHO FCTC। FCTC का फुल फॉर्म है फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल। ये एक ग्लोबल ट्रीटी है जो कि WHO के अंतर्गत साइन की गई है। टोबैको जो महामारी है, तंबाकू जो महामारी है, उसके
उसको कॉम्बैट करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए ये ट्रीटी साइन की गई है, एस्टेब्लिश की गई है। दूसरी बात, ये फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रीटी है, पहली ऐसी इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि WHO के अंदर नेगोशिएट की गई है, और इट वाज अडॉप्टेड बाय द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इन ऑन 21 मई 2003 एंड एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन। ये तो सिंपल बात है कि भाई हमें इतना याद रखना ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये हमें कब लागू हुई और कब फोर्स में आई ये इतना पूछा नहीं जाता, लेकिन सिंपली आपके लिए बताया गया बस। It has since become one of the most rapidly and widely embraced treaties in United Nations history. तो ये इसने बहुत जल्दी जल्दी काम करना स्टार्ट किया United Nations की हिस्ट्री में। दूसरी चीज, FCTC was developed in response to the globalization of the tobacco epidemic and is an evidence-based treaty that reaffirms the right of all people to highest standard of health. ये क्या करती है कि जो लोग हैं उनके जीवन के जो हाईएस्ट स्टैंडर्ड है, कि मतलब वो किस तरह से बेहतर जीवन जी सकते हैं, वो सब ये करता है, एफसीटीसी काम करता है। द कन्वेंशन रिप्रेजेंट ए माइलस्टोन फॉर द प्रमोशन ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड प्रोवाइड न्यू लीगल डायमेंशंस फॉर इंटरनेशनल हेल्थ कोऑपरेशन। तो पब्लिक हेल्थ किस प्रकार से प्रमोट की जाए, मतलब किस प्रकार से जो लोगों की हेल्थ है उसके ऊपर काम किया जा सके, एंड प्रोवाइड न्यू लीगल डायमेंशंस फॉर इंटरनेशनल हेल्थ कोऑपरेशन। इंटरनेशनल जो हेल्थ कोऑपरेशन है उसमें नए डायमेंशंस ये प्रदान करता है। मैं अगर सिंपल शब्दों में एफसीटीसी के बारे में बताऊं तो भाई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत है, एंड इसका फुल फॉर्म है फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल, और जो टोबैको महामारी है उसको कॉम्बैट करने के लिए काम करता है, लोगों की हेल्थ के लिए ये काम करता है। अंडरस्टूड, बस इतना ही, और ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि कब ये अस्तित्व में आया और कब इसने काम करना स्टार्ट किया, इट्स नॉट नन ऑफ आवर मैटर। ठीक है, अगली चीज डिस्कस कर लेते हैं, LIBOR, लिबोर। तो क्या है लिबोर? लिबोर का फुल फॉर्म होता है लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट। आपने इकोनॉमी पढ़ी होगी उसमें ये सब आता है। लिबोर और आइस लिबोर एक बेंचमार्क रेट है। सम ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग बैंक चार्ज ईच अदर फॉर शॉर्ट टर्म लोन। होता क्या है कि जब दो बैंक वर्ल्ड के, जो यहाँ पर लीडिंग बैंक की बात हो रही है, लेकिन मैं सिंपली बताऊं आपको कि जो दो बैंक आपस में कुछ समय के लिए पैसे उधार देते हैं, लेते हैं, तो जो बैंक रेट काम करती है उसको मैं कहता हूँ लिबोर, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट। दूसरी बात, ये जो फर्स्ट स्टेप होता है कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट रेट ऑन वेरियस लोन थ्रू आउट द वर्ल्ड, लिबोर एक फर्स्ट स्टेप। भाई मान लो कि कोई बैंक है, उसने दूसरे बैंक को कुछ समय के लिए कर्ज दिया, अब ठीक है, तो उस कर्ज को सिंपल बात है कि उसके पहले आप देखेंगे ना कि लिबोर तो कितना है। लिबोर एक सिंपल इंटरेस्ट रेट है, जैसे कि आपको सेविंग अकाउंट में या फिर आप बैंक से कर्जा लेते हैं उसके लिए जो आपको इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है, दैट इज इंटरेस्ट रेट। तो इसके ऊपर डिपेंड कर, कई बार क्या होता है कि जैसे विभिन्न परिस्थितियों को देखते हुए बैंक अपनी अपनी जो इंटरेस्ट रेट होते हैं वो अलग अलग रखते हैं। तो वो किस पर डिपेंड करता है कि भाई उसका बैंक का खुद का खर्चा कितना है, और बहुत सारी कंडीशंस होती है। इसी प्रकार जो इंटरेस्ट रेट कोई भी बैंक कैलकुलेट करेगा तो सबसे पहले लिबोर को कंसिडर करेगा कि भाई लिबोर इतनी है, इसके बाद आप देख लो। अंडरस्टूड। दूसरी बात, लिबोर जो है वो एडमिनिस्टर किया जाता है ICE बेंचमार्क एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, और पांच करेंसीज पर ये बेस्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, पांच करेंसी पर ये बेस्ड होता है। पांच करेंसी कौन कौन सी है, US का डॉलर है, यूरो है, पाउंड स्टर्लिंग है, जापान का येन है, स्विस का फ्रैंक, स्विस फ्रैंक है। ओके, पांच बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉलर, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग, येन और स्विस फ्रैंक। और 35 डिफरेंट लिबोर रेट इस बिजनेस डे में कम से कम होती है कि भाई इस बैंक ने इसको इतना कर्जा दिया तो इसकी बैंक लिबोर इतना हो गया, समथिंग लाइक दैट। सिंपल मैं इतना बता देता हूँ कि लिबोर एक इंटरनेशनल जो बैंक इंटरनेशनल लेवल पर जो बैंक आपस में लेन देन करते हैं, कर्ज देते हैं छोटे कम टाइम के लिए, तो उसमें एक इंटरबैंक ऑफर रेट होती है। ठीक है, मोस्ट कॉमनली कोटेड रेट इज 3 month US डॉलर रेट, यूएसडी रेफर्ड एज अ करंट लिबोर रेट। क्वार्टरली बेस पर चेंज हो जाती है, कई बार इसको सिंपल करंट लिबोर रेट कह देते हैं, तो ये हमारा मैटर नहीं है, इतना हमें नहीं याद रखना। हमें केवल ये याद रखना है लिबोर का फुल फॉर्म क्या है और ये है क्या,
जो मैंने पहली लाइन में बता दिया है कि विद सम ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग बैंक चार्ज ईच अदर फॉर शॉर्ट टर्म, और शॉर्ट टर्म के लोन के लिए कुछ बैंक आपस में चार्ज करते हैं, दैट इज लिबोर। अंडरस्टूड? तो आज के डिस्कशन में इतना ही, एंड आपको ये अगर लेसन पसंद आ रहे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड कोई प्रॉब्लम फेस हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेसन, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।